आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर अली अनवर कुरैशी लातूर महाराष्ट्र से आज फिर से आपके लिए हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं, उसका नाम है, इस बीमारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस बीमारी का नाम है शुगर। शुगर इसको इंग्लिश में डायबिटीज़ कहा जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस ऐसा इसको कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और इसमें और बहुत से अलग प्रकार हैं शुगर में। टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और टाइप 2 जो है वो मेडिसिन पे भी कवर हो सकता है। शुगर मतलब क्या होता है, कैसे कैसे इसके परिणाम दिखते हैं, शुगर चालू कैसा होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सी बातें करनी है, लेकिन शॉर्ट में हम उनको करेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें कवर करनी है। शुगर जो है, अगर आपके ब्लड में अगर शुगर बढ़ा तो हम इसे ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसको हम BSL कहते हैं, उसको शुगर, उसमें जो है रेंज बढ़ जाती है। नॉर्मल रेंज की शुगर की जो है 110 to 120, 110 जो है फास्टिंग में रहना चाहिए, और 120 से 130 खाने के बाद पी की रहना चाहिए। ये जो है नॉर्मल शुगर की रेंज है। शुगर बढ़ने की वजह, बढ़ने के रीज़न बहुत सारे हैं। उसमें हमारा शुगर को जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। शुगर बढ़ने का जो वजह है, हमारा जो खान पीन है, हमारा जो रहना सहना है, हम जिस प्रकार से रहते हैं, जिस प्रकार से खाते पीते हैं, हमारे दिनचर्या में अगर कुछ बिगाड़ा जाए तो शुगर बढ़ने के चांसेस हैं। शुगर के बारे में कहा जाए तो सबसे बड़ा जो कारण है शुगर बढ़ने का, तो सबसे पहले मैं ही बता चुका हूँ कि जो मेन रीज़न है शुगर बढ़ने का वो है चर्बी, फैट। अगर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए, डिसलिपिडी में अगर किसी पर्सन में स्टार्ट हो जाए, तो बाद में शुगर में कन्वर्ट हो सकता है। बेसिक कारण क्या होता है शुगर बढ़ने का, तो जिसकी वजह से शुगर बढ़ता है, चर्बी की वजह से तो शुगर होएगा, लेकिन बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण ये है कि बेसिक कारण जो है उसके सेल के लेवल पर होता है। हम जो शुगर खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसका कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में होता है, शुगर में होता है। शुगर जो है हमारे बॉडी को के सेल्स तक जाती है ब्लड के ज़रिए, लेकिन अगर समझो वो सेल्स के ज़रिए उसको एब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा, तो फिर वो ब्लड में वैसे ही कॉन्स्टेंट बढ़ता जाएगा, तो फिर शुगर का लेवल बढ़ेगा। क्यों होता है, शुगर क्यों बढ़ती है? इंसुलिन का जो है कम मात्रा में सिक्रेट होना, या इंसुलिन जो है कम मात्रा में अवेलेबल होना, या इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होना, जो कि इंसुलिन जो है एक प्रकार का हमारे पास से सिक्रेट होने वाला, पैंक्रियाज में से सिक्रेट होने वाला एक घटक है, जो एक घटक की वजह से, इंसुलिन की वजह से जो है हर सेल जो है, सेल के ऊपर जो लॉक होता है वो इंसुलिन की वजह से खुलता है। उसकी वजह से जो है हम जो खाना का कार्बोहाइड्रेट है वो सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। अगर इंसुलिन की कमतरता हो तो सेल को जो लॉक है वो लॉक नहीं होता। तो बेसिक हमें समझना चाहिए कि इंसुलिन का अगर सिक्रेशन कम है, इंसुलिन अगर कम सिक्रेट हो रहा है, इंसुलिन की मात्रा अगर कम उत्पन्न हो रही है पैंक्रियास से, ऑर्गन के पास से, तो हमें शुगर हो सकता है। नंबर 2, शुगर अगर हो गया है तो उसका क्योर हो सकता है। शुगर जो है एक लाइफस्टाइल डिसीज़ कहा जाता है उसको, और उसके बाद जो है शुगर अगर हो गया तो शुगर होने के बाद हर प्रकार की बीमारियाँ अलग अलग होती हैं। BP भी बढ़ता है, फिर उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, फिर उसकी किडनी पे लोड आता है, हार्ट पे लोड आता है शुगर जो है, फिर उसकी हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। लेकिन शुगर बढ़ने के बाद अगर उसको 2-3 महीने में हम कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि शुगर जो है, शुगर की मेडिसिन जो है आपको लाइफ टाइम खाने की गरज है, ऐसा नहीं है। शुगर की मेडिसिन को आप जो है डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, कब? जब आपका शुगर नॉर्मल हो, जब आपके सेल्स जो है, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है आपके खाने में से, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो यूटिलाइज कब होगा? जब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से सिक्रेट होगा। इंसुलिन कब सिक्रेट होगा? तो वह जब हम पैंक्रियास पे काम करेंगे तो इंसुलिन सिक्रेट होगा, ठीक है। तो शुगर जो है वो सेल लेवल पे काम करता है। तो बहुत से पेशेंट हैं वो शुगर के आज बहुत से टैबलेट्स, मेडिसिन्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के, यहाँ तक कि एक इंजेक्शन इंसुलिन का और 4-5 मेडिसिन, ऐसा 5-5, 6-6 मेडिसिन वो एट ए टाइम लेते रहते हैं, और वो
उन्हें ऐसा बताया जाता है कि ये जो मेडिसिन्स हैं हमें लाइफ टाइम लेना है। अब वाजिब है, अगर आपका शुगर कम नहीं होगा तो कोई भी बताएगा कि आपको लाइफ टाइम लेना होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो कंसेप्ट बताया हूँ, अगर सेल का लेवल, सेल अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे, सेल को अगर जब इंसुलिन जो है प्रॉपर सीक्रेट होगा तो जो है हमें शुगर मेंटेन रहेगी। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट हमारे पास है जो एकदम शुगर फ्री है और मशरूम से बना हुआ है, जिसे ग्यानोडर्मा लुसीडियम कहा जाता है। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट से 180 बीमारियाँ जो है कम होती है, या 180 बीमारियाँ होने नहीं देता। ये बेसिकली मेन इम्पॉर्टेंट जो है शुगर, कॉन्स्टिपेशन, कैंसर नहीं होने देता, शुगर नहीं होना देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। अगर किसी को शुगर हुआ है तो वो 3 से 4 महीने अगर ये मेडिसिन खाएगा, ग्यानोडर्मा लुसीडियम जो मशरूम से बना हुआ है, तो उसका जो है शुगर नील भी हो सकता है दोस्तों। उसने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ये जो जो भी चीज़ें हमने बताई है उसका फॉलो करना है, उसको एक्सरसाइज करना है। शुगर जिस भी पेशेंट को हुआ है उसने अपने खाने में जो है एक तो भैंस का दूध बंद करना है, शक्कर बंद करना है, शक्कर के अलावा उसने जो है गुड़ का वापर करना है। गुड़ अगर कोई भी पेशेंट 2 से 3 महीने 4 महीने अगर गुड़ खाएगा, जहाँ पे भी शक्कर लग रही है वहाँ पे अगर गुड़ खाएगा, तो उसकी शुगर नील होगी दोस्तों। कैसे नील होगी? उसने एक्सरसाइज भी प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है, उसने डाइट फॉलो करना चाहिए, उसने कम कैलोरीज का जो है खाना खाना चाहिए। ऐसे अगर चीज़ें करेगा वो, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो है शुगर जो है मेंटेन रह सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ हम आपको ये जो ग्यानोडर्मा लुसीडियम टैबलेट है ये एडवाइस करेंगे, ये आप लो, 3 से 4 महीने 5 महीने भी ये ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा और एक कैप्सूल है ओमेगा 3 बोलकर, वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको शुगर के बारे में, अगर समझो कुछ एक मिसकंसेप्शन है, शुगर जो है एक हमारा एनिमी, दुश्मन की जैसा होता है, जो हमें अंदर से जो है दम दम से खोखला कर देता है, उसके वजह से जो है बहुत वीकनेस आती है, हर तरह की वीकनेस है, मेंटल वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस भी आती है पेशेंट को। पेशेंट को जो है अगर इस सब चीज़ों से बचना है तो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है मेड इन इंडिया का, प्रोइंग इंटरनेशनल का गैनोस्पोर, ये लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको जो है ये जो मेडिसिन है आप लें, और ये जो वीडियो हमने बताया है दोस्तों इस बारे में, जो इसके बारे में, जो शुगर के बारे में हमने आपके बारे में जो वीडियो बनाया है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।